एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज का हमारा टॉपिक है आवर एनवायरमेंट से हम इसके थर्टी एम सी क्यूज करेंगे एम सी क्यूज करने से क्या होता है कि आपका चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाता है और अब की बार आपके एग्जाम में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके अंदर आपके एम सी क्यूज भी टेन जो है वो एम सी क्यूज आपके ज़रूर से जरूर आएंगे सो दैट की आपका जो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं थर्टी एम सी क्यूज ऑफ आवर एनवायरमेंट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल अब आपको ये पता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है सबस्टांसिस कौन से होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो ईजीली क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है जैसे आप जो भी ये आपके फूड प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे आप सब्जी की पील्स जो है फ्रूट्स की पील्स जो है वो अगर आप गड्ढे के अंदर दबाओगे तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कन्वर्ट ही नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल योर ऑप्शन आर प्लास्टिक बग लेदर बेल्ट सिल्वर फॉयल आयरन नेल तो आपका ऑप्शन क्या होगा आपका होगा लेदर बेल्ट सो राइट आंसर इज बी बी इज योर राइट आंसर ओके नाउ द सेक्स सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है नॉन बायोडिग्रेडेबल अभी मैंने आपको बताया वट इज़ द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दैम तो इसमें कौन सा है आपका ऑप्शन द राइट आंसर वुड बी नायलॉन ठीक है नायलॉन जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सस्टांस है फाइन नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच दिल अंडर गो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन सबसे फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन किसके अंदर प्रेजेंट होगी मैंगो सी वुड मैंगोपील या फिर मैंगो पल्ब तो इसके अंदर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है तो मैंगो पल्ब जो है बहुत ही फास्ट से बायोडिग्रेडेबल हो जाता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा ये पिक्चर आपको गिवन है इसके अंदर आपको ए और बी साफ साफ दिख रहे होंगे कि इसमें ये देखो ये ए है ये आपका बी है इसमें आपको यह ए दे रखा है तो ये ए और बी आपको जो है ऑब्जेक्ट जो है बता रखे हैं अब इसमें आपको ये बताना है एन इको सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर गिवन अबाउट दिस इको सिस्टम विल बी सेल्फ सस्टेनिंग इफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट बाई बी आर एलिमिनेटेड अगर हम बी को अलिमिनेट कर दें या मटीरियल साइकिल बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म लेबल्ड बी या क्या है कि इन दोनों के बीच के अंदर जो ए और बी है उनके बीच में क्या है कि मटीरियल जो है वो साइकिल करें थर्ड ऑप्शन है इज द ऑर्गेनिज्म लेबल्ड ए आउट नंबर द ऑर्गेनिज्म बी द ऑर्गेनिज्म ए आर इक्वल इन द टू दर्गेनिज्म बी तो इसमें आपका राइट right आंसर क्या होगा बी बी इज द राइट आंसर क्योंकि इसमें जब तक आप दोनों में ट्रांसफर नहीं होगा तो ऐसे क्या है कि इको सिस्टम जो है इसी हिसाब से चलता है हमारा तो राइट आंसर वुड बी बी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इको सिस्टम हर बी वोर्स रिप्रेजेंट हर बी वोर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं इको सिस्टम के अंदर इसके अंदर है प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं या फिर डीकम्पोजर होते हैं हरबी कौन से होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो आपके आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर दे आर प्राइमरी कंज्यूमर हरबी वोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल लेवल इन एन इको सिस्टम रिप्रेजेंट जो ट्रॉपिकल लेवल है इको सिस्टम के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन लेवल या फिर वाटर लेवल या फिर एनर्जी लेवल या फिर सॉल्ट लेवल तो इन चारों लेवल में से वो ट्रॉपिकल लेवल किस चीज़ को शो करता है वो आपके शो करता है एनर्जी लेवल को ये आपने पढ़ा भी होगा कि एनर्जी लेवल जो है सबसे फर्स्ट स्टेप पे होता है हंड्रेड परसेंट जैसे ही जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें टेन परसेंट एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है टेन परसेंट लॉ जो है ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेन परसेंट लॉक क्या है ठीक है इसके ये एनर्जी को शो करता है कि एनर्जी जो है टेन परसेंट जो है हर लेवल के ऊपर डिक्रीज हो जाती है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स ग्रीन प्लांट फिश एंड मैन द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम अब आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल है जो हम सब्जियाँ खाते हैं फ्रूट्स खाते हैं वो विदाउट केमिकल के नहीं ग्रो कर सकते तो उनके अंदर केमिकल्स तो जाता ही जाता है तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी जो क्वांटिटी है वो किन अंदर के अंदर सबसे ज़्यादा होगी ग्रीन प्लांट्स के अंदर मैन बर्ड्स या फिर फिश तो मैन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जाती है तो राइट आंसर वुड बी बी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज यूजुअली ग्रीन प्लांट सबसे फर्स्ट कोई भी लिंक हो आपकी फूड चेन हो फूड वेब हो तो उसमें सबसे so, पहला लिंक किसका होता है ग्रीन प्लांट्स का होता है उनको हम क्यों फर्स्ट लिंक में जोड़ते हैं वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड दे आर फिक्सड एट वन प्लेस इन द दॉयल दे अलोन हैव द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज फूड यूजिंग सनलाइट दे आर मोर हर्बीवर देन कार्निवर द राइट आंसर इज उनके अंदर सबसे so ज्यादा कैपेसिटी इनके अलावा किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सनलाइट का यूज करके फूड को प्रिपेयर करे तो राइट आंसर वुड बी सी सी इज द राइट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इको सिस्टम इज फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी एनर्जी फ्लो और फूड चेन के रिगार्डिंग में फॉल्स है फर्स्ट ऑप्शन इज Food web include two or more food chain, all organisms that are not producer are consumer. A single organism can feed at several tropic level. Detrivores feed at all tropical level except the producer level. The lowest the trophic level at which F organism feed the more energy available. So right answer is D. ये जो है आपका डेट्री वोरस क्या होता है ये डिपेंड करता है आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ठीक है तो ये क्या है कि ये सभी ट्रॉपिक लेवल के अंदर प्रे, प्रेजेंट होता है तो हम इसमें प्रोड्यूसर इसने ल, बोला है कि एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल तो दिस इज फॉल्स सो राइट आंसर इज डी डी जो है वो इनके रिगार्डिंग में फॉल्स माना गया है ना ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंगल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन फूड चेन का जो सीक्वेंस है, है वो क्या है प्रोड्यूसर कंज्यूमर या डीकम्पोजर बी है प्रोड्यूसर डिकम्पोजर कंज्यूमर आप सबको पता होगा प्रोड्यूसर सबसे पहले जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को वो आते हैं ठीक है तो ए इज द राइट आंसर प्रोड्यूसर के बाद फिर कंज्यूमर उनको कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर में आपके प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर आट ऑर्सी कंज्यूमर तक आ सकते हैं फिर जब वो मर जाते हैं तो उसको डीकम्पोज करते हैं डी तो दिस इज द राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप कौन से होते हैं जो अपना फूड जो है वो अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो लॉइन अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता इंसेक्ट नहीं कर सकता मशरूम भी नहीं कर सकता ट्री ट्री इज द राइट आंसर क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है और ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड सो इट इज ऑटोट्रॉफ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गार्डन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर गार्डन इको सिस्टम के अंदर इन चारों में से कौन सा आपका प्रोड्यूसर माना जाएगा इंसेक्ट स्नेक ग्रासेस या रेबिट तो इसमें बताओ कौन सा प्रोड्यूसर है बच्चों प्रोड्यूसर होगा इसमें ग्रासेस ठीक है ग्रासेस इज इज द द राइट राइट आंसर सी आंसर गार्डन के इकोसिस्टम के अंदर ग्रासेस जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पर आते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इको अब आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है जो नेचुरल है वो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाया ठीक है उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते और आर्टिफिशियल जो है वो मैन मेड होता है जैसे आपका एक्वेरियम हो गया आप घरों में रखते हैं जिसमें अंदर आप फिशेज रखते हैं ठीक है तो वो क्या हो गया आपका आर्टिफिशियल हो गया जो मैन मेड होता है उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं तो इन चारों में से आपको कौन सा माना जाएगा पॉन्ड क्रॉप फील्ड लेक या फिर फॉरेस्ट तो इसके अंदर हम जो क्रॉप फील्ड है वो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इको सिस्टम

एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रा वायल्ट रे रिजल्ट इन फर्स्ट डैमेज टू इम्यून सिस्टम डैमेज टू लांग्स स्किन कैंसर या पैप्टिक अल्सर जो आपका है अल्ट्रा वॉयलेट रे जो आपकी आपको ये सब पता है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन होती जा रही है ठीक है ड्यू टू द क्लोरो फ्लोरो कार्बन की वजह से बट उससे क्या है कि उसका साइड इफ़ेक्ट भी है अगर उसके अंदर होल हो रहा है वो आपकी ओजोन लेयर जो है वो थिन होती जा रही है तो उसकी वजह से आपका बैड इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है और एक तो आपका क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज होता जा रहा है प्लस आपकी जो स्किन है उसके अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं तो राइट आंसर इज वन और थ्री ऑप्शन किस में है सी में तो सी इज़ द राइट आंसर फाइन अगर बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो सो दैट आई कैन मेक न्यू वीडियोस फॉर योर फॉर योर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और फॉर योर न्यू जैसे आप टेंथ के बाद प्लस वन में जाएंगे प्लस टू में जाएंगे उसके बाद आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं तो इस टाइप की वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और किस टाइप की स्कॉलरशिप आप जो है किसके एग्जाम्स आप दे सकते हैं जैसे एन टी तो इनसे रिलेटेड भी वीडियोज आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फूड चेन अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो फूड चेन नहीं बनाएगा फर्स्ट है ग्रास लॉय रैबिट प्लैंकटन मैन फिश ग्रास ओपर वॉल्फ ग्रास स्नेक टाइगर अब इसमें से आपको चार ऑप्शन गिवन है अब आपको ये बताना है कि इन चारों के अंदर से कौन सा जो है फूड चेन नहीं बनाता अब देखो ग्रास जो है ग्रास को रैबिट खाता है तो ये बन सकती है चेन अब इसमें प्लैंकटन को फिश खाती है इसमें भी बन जाएगी बट इसमें देखो ग्रास को ना तो वॉल्व खाता है ना स्नेक खाता है ना टाइगर खाता है तो इसका आंसर जो है ये जो है आपका फूड चेन नहीं बना रही तो सी इज द राइट आंसर ठीक है सी इज द राइट आंसर

और आपका फ्रोक जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है तो राइट आंसर विल बी आपका सी सी इज द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये आपको पता होना चाहिए अभी हमने डिस्कस किया था इसमें आपका राइट आंसर होगा कैंसर ऑफ स्किन बी इज द राइट आंसर नाउ एसिड रेन इज कॉज बाय द ऑक्साइड ऑफ जो आपकी एसिड रेन होती है वो किसकी वजह से होती है वो ना तो आपके कार्बन की वजह से होती है ना अकेले नाइट्रोजन की वजह से ना सल्फर की वजह से ये होती है आपके सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से एसिड रेन जो होती है वो आपके सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल एलमोनियम कैन पोलिथीन बैग काओ डंग या फिर डीडीटी डी इजीली बायोडिग्रेडेबल का कौन सा होगा डंग अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इको अभी मैंने बताया था आपको कि ए बायोटिक कौन सा होता है ए होता है जो हमारे जो नॉन लिविंग होता है तो इसमें आपके क्या आ जाएगा ए में आपके आ जाएगा प्लांट प्लांट इज द राइट आंसर ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ़ फॉलोइंग दियर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अ प्राइमरी कंज्यूमर ईगल एंड स्नेक ग्रास होपर एंड कैटल स्नेक एंड फ्रॉग वॉटर बीटल एंड फिश तो इसमें आपका प्राइमरी में आपका आ जाता है ग्रास होपर एंड कैटल दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर ठीक है स्नेक और फ्रॉग क्या है ये तो आगे स्नेक और फ्रॉग जो है इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर नहीं बोल सकते वाटर बीटल एंड फिश को भी नहीं बोल सकते ना ही हम ईगल और स्नेक को ये तो क्या है कि टॉप लेवल पे होते हैं ईगल एंड स्नेक ठीक है सो राइट आंसर इज बी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉजेज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर जो आपकी ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन का मेन कॉजेज क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसमें आपका जो है आपका कौन सा रीजन हो सकता है इसमें आपका रीजन होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर सो सी इज द राइट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय थर्ड ट्रॉपिकल लेवल कौन ऑक्यूपाइड करेगा आपके ये आपके करेगा कार्निवोरस थर्ड में आ जाता है फर्स्ट में आपके आ जाएंगे प्रोड्यूसर ठीक है सेकेंड में आपके आ जाएंगे हरबी वॉरस थर्ड में आ जाएगा आपका कार्निवोरस ठीक है और फोर्थ में आपके आ जाएगा डीकम्पोजर तो थर्ड लेवल पे आपके क्या आ जाएगा कार्निवोर ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज किसकी वजह से होता है आपका ये ग्लोबल वार्मिंग अर्थक्एक इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो राइट right आंसर आपका होगा डी क्लोरो फ्लोरो कार्बन की वजह से आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है इन द गिवन फूड चेन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल इज फोर जूल वॉट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल ठीक है अब इसमें आपको कितनी फोर किलो जूल जो है फोर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी है ठीक है तो आपको ये चैन देखिए ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है फिर फ्रोक खाता है फिर स्नेक फोर्थ लेवल पर अगर आपके कितनी होनी कितनी फोर किलो जूल है राइट फोर किलो जूल है फोर्थ लेवल पे तो आपके फर्स्ट लेवल पे कितनी होगी यहाँ पर ग्रास पे सबसे अच्छा ज़्यादा होगी आपकी फोर थाउजेंड ठीक है क्योंकि हमें पता है कि टेन परसेंट जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है तो फोर थाउजेंड किलो जूल एनर्जी होगी तो वो जब नेक्स्ट लेवल पे आएगी तो आपकी 400 बच जाएगी देन फ्रॉग पे जाएगी तो 40 एंड देन स्नेक पर जाते जाते आपके 4 के जो है वो बच जाएगी राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ ऑल द डियर आर किल्ड इन द गिवन फूड चेन अगर बीच में से आप डियर ही निकाल दोगे तो आपका क्या बचेगा ग्रास जो है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लाइन जो है वो ग्रास नहीं खाता तो ये इंक्रीज हो जाएगा और लायन को कुछ खाने को डियर नहीं मिलेंगे तो लायन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो इसमें राइट right हो, आंसर होगा डी डी इज द राइट आंसर द पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीजेज एंड द ग्रास एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू इन द फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉपिक लेवल पर कौन से दो जो है ये सेम ट्रॉपिक लेवल पर आपको दिखाई देंगे कौन से दो सेट तो ग्रास ग्रास ऊपर गोट स्पाइडर हॉक रैट या फिर फ्रॉग और लीजर अब देखो ग्रास ऊपर ग्रास को खाता है तो ये तो दोनों डिफरेंट लेवल हो गई है गोट और स्पाइडर स्पाइडर क्या है? इंसेक्ट है गोट जो है वो हरबी वॉर है ठीक है ये भी अलग अलग हो गए हॉक और रैट ये भी अलग अलग हो गए हैं क्योंकि रैट जो है वो तो क्या है कि आपने देखा होगा क्या क्या खाता है सिर्फ डिपेंड करता है ग्रेन्स के ऊपर और हॉक जो है वो तो डेड एंड डिकिंग मैटर पे वो जो मर जाते हैं एनिमल उनको खाता है फ्रॉग और लीजर्ट क्या है कि फ़्रॉग भी क्या है इंसेक्ट खाता है और लीजर्ट भी क्या खाती है इंसेक्ट खाती है तो सेम सेट लेवल कौन सा हो गया आपका डी दोनों ही ये क्या है सेम सेट से बिलोंग करते हैं तो डी इज़ द राइट आंसर नाउ ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन विच अमंग ऑफ द फोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन व्यू ऑफ द प्लांट प्लांट के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इंटू मकेनिकल एनर्जी दे प्रिपेयर दे आर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर ऑल्सो कॉल प्रोड्यूसर दे आर द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन तो इसके रिगार्डिंग में आपको ये है दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इंटू मकेनिकल एनर्जी ये क्या है कि गलत है सोलर एनर्जी को प्लांट जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं नॉट इन टू द मकैनिकल एनर्जी सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज इन अ फूड चेन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्युपाइड बाय सेकेंड लेवल हमने अभी आपको बताया था कि कितने लेवल मोस्टली जो है आपका ट्रॉपिक लेवल फोर फोर या फिर फाइव तक जा सकता है इसके ज़्यादा नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि जो आपका एनर्जी लेवल का जो आपने एनर्जी आपने टेन परसेंट लॉ जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो आगे तक नहीं जा सकता है ठीक है तो इसीलिए इसके अंदर ट्रॉपिक लेवल जो है आपके मैक्सिमम फोर या फिर फाइव हो सकते हैं तो अब इसमें पूछा है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा देखो फर् तो थर्ड पे आ जाएगा राइट हरबीवॉर और ऑटोट्रॉफ ड्रॉप सेकंड वॉर सेकेंड पे आ जाएगा प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ ये क्या है सेम होते हैं आप प्रोड्यूसर कौन होते है? प्लांट हैं प्लांट्स होते हैं ऑटोड्रॉफ्ट कौन से होते हैं प्लांट्स होते हैं तो ये दोनों क्या है फर्स्ट लेवल पर ही है दोनों तो सेकेंड लेवल पर अगर इन्होंने पूछा है तो आपका आंसर होगा हरबी बोरस ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन है कि ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर को अलग अलग इन्होंने लिख दिया है बट दो, दोनों ही होते क्या हैं प्लांट्स ही होते हैं प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं एंड प्रोड्यूसर भी बोलते हैं ठीक है थीके? उसके बाद इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो थैंक यू सो मच